अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ गुल किचन से। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी चिकन तंदूरी। इसके लिए हमने लिया है तकरीबन एक किलो चिकन। आपने बड़े पीस लेने हैं, इस तरह के छोटे पीस नहीं लेने, बड़े पीस लेंगे आप। चार खाने का चम्मच तंदूरी मसाला, दो खाने का चम्मच आप ऑयल लें, और चार से पाँच खाने का चम्मच आप नींबू का रस लें, आधे प्याली आप दही लेंगे। एक बात इसमें मैं और आपको बताती चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ इसको दही में मैरिनेट करेंगे तो दही आप पूरा एक प्याली लेंगे और नींबू का रस आप कम कर देंगे, दो या तीन खाने का चम्मच लेंगे। चले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इन पीसों पर ऐसे इस तरह बड़े बड़े कट लगाने हैं। हमने अच्छी तरह इसको कट लगा लें ताकि ये मसाला जो है इसमें सारा एब्जॉर्ब हो जाए। सारे पीसेस पे आप तकरीबन ऐसे कट लगाएंगे। तरह बड़े पीस लेंगे आप तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। अब आप देखें, मैं सबसे पहले इसमें ऐड करती हूँ ये 4 खाने का चम्मच हमने लिया है तंदूरी मसाला, क्योंकि ये स्पाइसी ही अच्छा लगता है ज़्यादा। ये ऑयल इसमें ऐड किया हमने इसमें ऐड किया ये लेमन जूस अच्छी तरह। फिर हमने इसमें ये ऐड कर अच्छी तरह दही आपने ऐड करना है। अब आपने इसको मैरिनेट करना है अच्छी तरह से, सारे पीस इसके ताके मसाले में सारे पीसों पर मसाला अच्छी तरह से इसके लग जाए और ये एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, एक बात और मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप दही के साथ सिर्फ इसको मैरिनेट करेंगे तो आप इसको दो या तीन घंटे ज़रूर रखें। लेकिन अगर आप दही कम यूज़ कर रहे हैं, लेमन जूस के साथ ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर आप तकरीबन 30 मिनट इसको अच्छी तरह से मसालों पर, ये पीसेस पर, चिकन के पीसेस अच्छी तरह मसाले में आप इसको कवर कीजिए। अब आप इसको 30 मिनट के लिए, 30 से 40 मिनट के लिए आप इसको मैरिनेट करके और रख दें। ये देखिए, ये 30 से 40 मिनट के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। ये इस तरह से सारा जो मसाला है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला था। अब मैं इसको, आप इसको अगर ओवन में बना रहे हैं तो इसको ट्रे पर सारे पीसेस को फैला दें और इसको ओवन में बेक कर लें, या ओवन में जैसे भी आप लोग अच्छा समझते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके पास ओवन किचन में नहीं है, आपके घर में नहीं है, तो आप इजीली, ये बहुत इजी रेसिपी है तंदूरी चिकन की, आप इजीली इसको ये हाफ से भी कम है, हाफ प्याली से कम ऑयल लीजिए। इसको अच्छी तरह से इसको
गरम करना है हमने। जब ये ऑयल अच्छी तरह आपको पता चले गर्म हो रहा है, खूब तेज, मैं एक पीस इसमें डालकर चेक करती हूँ। अब आप इसको पीसते हैं सारे आस पास का। इसके बाद फिर से आपने सारे इसे लाडू ताकि ये अच्छी तरह से सारे पीस जो है इसके तैयार हो जाए, गल जाए। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, ऑयल में और भाप में ही ये। अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ। 30-40 मिनट आप इसको धीमी आंच पर बिल्कुल कवर करके रख दी। 10-15 मिनट के बाद आप इसको चेक करें और फिर इंशाल्लाह ये 30 से 40 मिनट तक के में ये पूरे तैयार हो जाएगा। तंदूरी चिकन हमारा बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको रख कर छोड़ रही हूँ धीमी आंच पर, तेज़ नहीं करती। ये देखिए, ये हमारा मज़ेदार तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिएगा, ये 30 से 40 मिनट तक मैंने इसको रखा था धीमी आंच पर बिल्कुल कवर करके, और पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना। इसमें जो लेमन जूस है और जो दही का उसका पानी है उसी से ये बिल्कुल गल जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये तैयार तंदूरी चिकन। ये लीजिए, ये तंदूरी चिकन तैयार है मज़ेदार। और इसके साथ ये मैंने सिंपल बिल्कुल दही का रायता रखा है, सलाद है, साथ गरम गरम नान के साथ आप सर्व करें। और इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी के साथ, किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।